भारत में लगातार कोरोना वायरस के मामलों में कमी देखने को मिल रही है। देश में बुधवार को लगातार तीसरे दिन संक्रमण में किसी की भी मौत नहीं हुई है। इस दौरान संक्रमण के सिर्फ 152 मामले दर्ज किए गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में हाइब्रिड टीकाकरण के कारण इसके मामलों में बढ़ोतरी नहीं दर्ज की जा रही है। कोविड 19 वर्किंग ग्रुप NTAGI के अध्यक्ष NK अरोड़ा ने बुधवार को कहा कि दक्षिण एशियाई देशों में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। हालांकि हाइब्रिड टीकाकरण होने के कारण भारत कोरोना संक्रमण से प्रभावित नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर अरोड़ा ने इस दौरान चेताया कि भारत को अब भी सतर्क रहने की जरूरत है। डॉक्टर NK अरोड़ा ने समाचार एजेंसी से बात करते हुए कहा, भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में अब बढ़ोतरी दर्ज नहीं की जा रही है, हालांकि अभी भी सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि हमें हिसकोंग के हिस्से के रूप में अनुवांशिक निगरानी की गुणवत्ता पर पूरी निगरानी रखने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हम लगातार 3 साल से कोरोना महामारी पर चर्चा कर रहे हैं, हालांकि पिछले 3 माह के दौरान इसके मामलों में लगातार कमी दर्ज की गई है और प्रत्येक दिन इसके मामले करीब 500 से 600 से कम आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक दिन इसके 2 लाख परीक्षण किए जा रहे हैं और हर दिन इसमें 5 से 10 लोगों की मौत हो रही है और कभी कभी इससे एक भी मरीज की मौत नहीं हो रही है। डॉक्टर अरोड़ा ने आगे कहा कि दक्षिण एशियाई देशों में इसके मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, हालांकि भारत में हुए हाइब्रिड टीकाकरण के कारण मामलों की संख्या लगातार कम हो रही है। उन्होंने कहा कि कई दक्षिण एशियाई देशों के साथ साथ चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया में इसके मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। हालांकि हमारी 97% वयस्क आबादी को वैक्सीन की 2 खुराकें मिल चुकी हैं। हम में से अधिक लोगों को प्राकृतिक संक्रमण हुआ है, इसलिए ये भी एक हाइब्रिड टीकाकरण है और हम इसके कोई भी गंभीर परिणाम नहीं देख रहे हैं। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you.